रामविलास पासवान जी पासवान के नेता, लालू यादव जी यादव के नेता, नीतीश कुमार जी कुर्मी के नेता, कन्हैया कुमार ब्रह्मांड के नेता, गिरिराज सिंह ब्रह्मांड के नेता, आप ले लीजिए विजय सिन्हा जी अपने लखीसराय वाले को ले लीजिए मंगल ग्रह के नेता, उनसे भूमिहार बोलवा के आप दिखा दीजिए। जब बेगूसराय में उस दिन साइकिल लेकर नहीं जा पाइएगा, 4 तारीख को कुछ काम कर लीजिएगा, नहीं तो बचल का काम 6 तारीख को कर लीजिएगा। अनुमानित तौर पे स्पष्ट 10 लाख भूमिहारों की आबादी बेगूसराय पहुंच रही है उस दिन। कितने ऐसे आपके समाज के नेता हैं और लोग विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, और आप नौटंकी कर रहे हैं कि हम महापंचायत कर रहे हैं? कितने न? हम कागज लेके पहुंच रहे हैं सर्वे कर्मियों के पास में, तो हमारे नाम पे वो जमीन नहीं जा रही है। जो बटाईदार हैं, जो ठीका लिए हैं, वो खाद का रसीद, खाद खरीद के जो खेत में देता है ना, वो रसीद लेके भी आ रहे हैं, तो उनके नाम पे जमीन ट्रांसफर समस्या के। तो आपके ऊपर तो अभी भी अमरजीत कुशवाहा कह रहे थे कि आप अंग्रेजों के दलाली करते हैं, आपके दलाली के चक्कर में 200 बीघा जमीन आपके पास में मिला है। लालू यादव के पास खेत है बहुत, 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो गरीब को बसा के दिखा वहाँ जवाब देगा वो कि नहीं नहीं ब्राह्मण जो है ना 5,000 साल से डायनासोर के साथ जुआ खेल रहा था, ये लोग पैसा दलित के नाम पे बैठ के खा गए हैं, अब इनको हगना पड़ जाए, सॉरी गलत वर्ड के लिए, इनको निकालना पड़ जाएगा, तब ये सीधा कहते कि देखो ब्राह्मण जो है ना तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम तो ठीके थे। माने अभी हम बेगूसराय में हैं और हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ बादशाह जी हैं, जो कि नाम से बादशाह से तो अपने काम से भी बादशाह में जाने जाते हैं। बेगूसराय से हैं और ये वीरों की धरती कही जाती है और भूमिहार की राजधानी, यही ना? आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोज बकर बकर करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये तो ना है कि अपने जात के पार्टी के संगठन के प्रवक्ता हैं तो दूसरे का विरोध कीजिएगा? देखिए ये समाज का क्वालिटी है कि आप अगर एक ईटा मारिएगा तो दो चार को, जिसको भी लगेगा दो चार को प्रवक्ते होगा, बुद्धिजीवी समाज है। हमारी तकदीर है कि हम इसके प्रवक्ता बन गए, लेकिन इस बात का आप गवाह बनिए मीडिया बंधु कि अगर आप पिछले 10 साल विगत 10 साल के किसी कार्यक्रम में, आज तो हमारे पास उपलब्धि है, पिछले 10 साल के किसी कार्यक्रम में किसी जाति किसी धर्म किसी संप्रदाय किसी पंथ किसी संगठन के अगेंस्ट में एक शब्द गाली गलौज निकाल देंगे, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। आज तक हमने किसी को गाली नहीं किया, हमारे लिए अपनी समस्याएं हैं, हम अपनी समस्याओं के लिए जुटे हैं, उसी के निदान में हम परेशान हैं, हमारे तरफ से किसी को गाली गलौज नहीं किया गया। हालांकि अन्य देखिए गाली गलौज ही सबसे बड़ा समस्या का समाधान नहीं है, आप संगठन बनाए हैं आपके अपने विचार को रखने के लिए, आप इतना बड़ा भूमिहार हैं जी, बेगूसराय में बेगूसराय के भूमिहार हैं, ऊपर से पूरे बिहार में आपका दबदबा है, गिरिराज सिंह जैसे नेता, विजय सिन्हा जी जैसे नेता, ललन सिंह जैसे नेता, कितने ऐसे आपके समाज के नेता हैं और लोग विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, और आप नौटंकी कर रहे हैं कि हम महापंचायत कर रहे हैं? कितने नेता, आपने जो सवाल किया हम ही आपसे रिपीट कर रहे हैं, कितने नेता हैं? 2, 4, 5, 10 नेता नहीं है सर, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर सामने में 150 भूमिहार अगर मर जाए तो लाश पे लात लेके वो निकल जाएंगे, वो समाज के नेता नहीं है। और 15 आदमी भूमिहार के बारे में डिसाइड नहीं करता है, रामविलास पासवान जी पासवान के नेता, लालू यादव जी यादव के नेता, नीतीश कुमार जी कुर्मी के नेता, कन्हैया कुमार ब्रह्मांड के नेता, गिरिराज सिंह ब्रह्मांड के नेता, आप ले लीजिए विजय सिन्हा जी अपने लखीसराय वाले को ले लीजिए मंगल ग्रह के नेता, उनसे भूमिहार बोलवा के आप दिखा दीजिए। जब भूमिहार का नेता भूमिहार नामे नहीं ले रहा है, आप कैसे कर रहे कि आपके समाज से नेता है? आप स्थिति की बात करेंगे, परिस्थिति की बात करेंगे, आ गया है जातीय सर्वे, उसमें आर्थिक पक्ष भी लिखा गया है, नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि उसको सार्वजनिक करिए, तब पता चलेगा कि भूमिहार को संगठन बनाने की जरूरत है कि नहीं है। सर्वे के अनुसार जैसे नीतीश जी तो बोले थे, इस बात को हम भी मानते हैं, आपका कहना किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप एक ही बार कह देते कि हम गरीब हो गए, गरीब कहाँ हो गए हैं आप? अब जो कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, कौन से अधिकार की बात? देखिए श्रीमान, आपके कैमरा पे हम इल्जाम नहीं लगाना चाहते कि आपकी नजर वहां तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, लेकिन बिहार में हम एक ऐसा केस दिखाएंगे भुखमरी का, जो भूमिहार का बच्चा भुखमरी से मर गया है, शेखपुरा का केस आप पता करके बताइए। आप गरीबी खोजिएगा तब मिलेगा, आप किसी दबे कुचले भूमिहार को ये कह के बात को दबा दीजिएगा, ये तो मंत्री शोषक जमींदार खानदान से है, उसका गरीबी आपको तब नहीं दिखेगा सर। गरीबी जैसे अन्य जातियों की बीमारी है, एक आर्थिक बीमारी है, वैसे हमारे जातियों में भी आती है,
लेकिन अन्य जातियों के साथ तर्क है कि 5000 साल से शोषित है, इसलिए इनको गरीबी इनका उन्मूलन किया जाए। हमारे साथ तर्क है कि ये 5000 से शोषक हैं, इनके उन्मूलन का तत्काल ध्यान नहीं दो। हर सरकार का ये नियम है, आप 2018 से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बिल, किसी अनुमोदन, किसी विधेयक में भूमिहार नाम दिखा दीजिएगा, वापस रिपीट करते हैं कि हम सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। दो धमकी दी आप। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं ना कि हम सबों की बात करते हैं, गरीब सवर्ण का ख्याल रखते हैं, चाहे तेजस्वी जी हैं बोलते हैं A to Z की बात करते हैं, तो फिर आप सबको संगठन बनाने की क्यों नौबत आ गई? हम आपको बोलते हैं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बराक ओबामा। सर बोलने और करने में अंतर है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बराक ओबामा, फील करिएगा, विश्वास करिएगा आप। बोलने और करने में अंतर है। एक बहुगामी, एक काम बता दें, ये आपको तर्क दे देते। उदाहरण छोटा सा, भूमिहारों के लिए स्पेशल काम नहीं किया जा सकता, वो सरकार में विभिन्न जातियों को देखना है। लेकिन नीतीश कुमार की 50 परियोजनाओं में बुरा इफेक्ट पड़ा है, तो 49 बुरा इफेक्ट भूमिहारों को पड़ा है। सर 6 महीना बिहार डूबता है पानी में, हाँ या ना? सबसे ज्यादा जमीन जो पानी से सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किसको होगा? खेती की जमीन को। आपके अनुसार सबसे ज्यादा खेती की जमीन किसको है? भूमिहारों को। आज तक बिहार में 15 साल में एक भी नहर नहीं बना है। आंध्रा जहां पानी की कमी है, 13,645 नहर है। आप कह रहे भूमिहारों के प्रति काम किए हैं? अच्छा हटाइए, दूसरा उदाहरण मोकामा चलिए, ताल है सर, 5 लाख बीघा है ताल। 5 लाख बीघा का मतलब सर सबसे महंगा फसल होता है दलहन। 5 लाख बीघा ताल के लिए योजना नीतीश कुमार जी के पास नहीं है, लेकिन उसी टाल के कनपट्टी पर से वो मटका पाइप निकाल के मोकामा से लेके नालंदा तक गंगा जल का 7,000 करोड़ का परियोजना पास करने का उनका उद्देश्य है। कह रहे हैं आप भूमिहारों के लिए वो काम कर रहे हैं, बाबू ललन सिंह उस पर चुटकी दिए जा रहे हैं। का नेता है, आपके जाति के लोग हैं, तो आप कहते हैं कि चुटकी, ये चुटकी क्या है? तो विकास का बात होता है। वही बात है, मतलब 7,000 करोड़ हम आपको दें तो सबसे नालंदा वाला को अगला 6 साल के लिए मिनरल वाटर 20-20 रुपया वाला बोतल घर पे पहुंचा दीजिएगा। ये गंगा मोकामा गाद वाला पानी ले जाने का क्या जरूरत था? आप कनपट्टी पर से गुजार के बताए हैं कि बाभन के लिए नहीं करेंगे, बिहार शरीफा नालंदे बिहार का राजधानी बनने वाला है। यानी कि टाल से यह साबित किया जा रहा था कि देखिए आपके आंखों के सामने लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे से जो पानी जमा है उसको नहीं हटाएंगे। महाराज हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप टाल के किसी किसान को पकड़िए, आप पकड़िए, आप तो खुद टाल से बिलोंग करते हैं, किसी किसान को पकड़िए, बोलिए टाल का समस्या क्या है। सर देख लीजिए उस फ्रंट को, 150 फीट का लुइस गेट है, मात्र 150 फीट का लुइस गेट अगर निर्माण हो जाता तो टाल से पानी का संस्करण हो जाता, टाल में खेती डबल हो जाती। 150 फीट का आपको क्या लगता है कि टाल में भूमिहारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है? और किसका जमीन? वहाँ टाल में सिर्फ भूमिहारे का जमीन है, और जाति का भी जमीन है? जाति का जमीन है, बहुतायत भूमिहार का है। आप सिर्फ ये कैसे कह देते कि पूरे भूमिहारों के साथ? यहाँ बम गिरेगा, हम 16 गो आदमी मर जाए, दो गो दूसरा आदमी मर जाए, असर किस पर पड़ा? 16 ही गो पर ना। अगर बम फेंके हम 16 गो अपना परिवार के लोग मर जाए, आप पड़ोसी वाला 2 गो मरे, किस पर असर पड़ा? हमारा खानदान बर्बाद हुआ जी। नीतीश कुमार जी सबका ना ख्याल रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका। आपको 150 करोड़ का टाल नहीं दिखता है, 7,000 करोड़ का पानी दिख जाता है। दारूबंदी आप चल जाइए बेटा में, दारूबंदी आप लोग क्या बताएं श्रीमान। दारूबंदी का प्रकरण किंगफिशर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटा में आया था, देख जाइए, वहां वीडियो लगा दीजिए, डिब्बा मशीन गिरा दिया, लोगों को रोजगार मिलता, क्षेत्र भूमिहार बहुल है। किंगफिशर अगर बर्बाद हुआ, विजय माल्या बर्बाद हुआ। सवर्ण आयोग का रिपोर्ट आप श्रीमान जाके देख लीजिए, भूमिहारों की परिस्थिति देख लीजिए। राजपूत ब्राह्मण लाला ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें विशेष भूमिहार के लिए लिखा हुआ है, एक ऐसी जाति बन गई है जिसमें लगभग 26% लोगों को खेतिहर जमीन नहीं है, जिसमें लगभग 29% ऐसे लोग हैं जो जमीन अपनी बेच रहे हैं। और हम आपको एक नया डाटा दे रहे हैं जो सवर्ण आयोग के उस रिपोर्ट में नहीं छपी है, लगभग 4.5 लाख बीघा ऐसा जमीन है जो सरकारी उदासीनता के कारण फंसा हुआ है, लोग जोत नहीं पा रहा है। मेरा उदाहरण ले लीजिए, मेरा नाम बल्लभ है, घर मंझौल है, 6,000 एकड़ हमारे यहाँ काबर सर 1979 से अभी तक रजिस्ट्री लोग नहीं करवा सकता है। इनका घर रमदीरी है, इनके पीछे जो टाल का क्षेत्र, इनके पीछे जो दीरा का क्षेत्र है, लगभग ये 8,000 एकड़ दीरा का क्षेत्र है, उसमें लोग लिखा पर ही नहीं कर सकता है। 40 साल हो गए ना अनुदान मिल रहा है, ना हमारा है, ना सरकार का है। आप फरकिया चले जाइए सर, ऐसे करके 4 लाख बीघा है जो सरकारी उदासीनता के कारण डिस्टर्ब है।
अब एगो और खराब बात ले लीजिए, सर्वे चल रहा है सर, हम कागज लेके पहुंच रहे हैं सर्वे कर्मियों के पास में, तो हमारे नाम पे वो जमीन नहीं जा रही है, जो बटाईदार हैं, जो ठीका लिए हैं, वो खाद का रसीद, खाद खरीद के जो खेत में देता है ना, वो रसीद लेके भी आ रहे हैं, तो उनके नाम पे जमीन ट्रांसफर कर दी जा रही है। हम क्या करेंगे, सिविल में लड़ेंगे, 20 साल बच्चा बर्बाद होगा, 20 साल बाद जमीन छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे लिए काम कर रहे हैं, किधर से शिक्षा स्वास्थ्य कृषि जो हमारी पर्सनल बपौती थी, हमारा हाथ पैर गर्दन मुरी बांध के ये सरकार कर रही है, थोड़ा दौड़ के दिखाओ, थोड़ा दौड़ के दिखाओ, थोड़ा दौड़ के दिखाओ। कह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हम स्पेशल सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सर 70 साल में हम राष्ट्रवाद के नाम पर शहीदी देने के लिए तो नहीं जन्मे, बाप कांग्रेसी बेटा भाजपा राजद जदयू, हम कुर्बानी देने के लिए तो नहीं जन्मे, हम जुटे हैं अपना समस्या के। तो आपके ऊपर तो अभी भी अमरजीत कुशवाहा कह रहे थे कि आप अंग्रेजों के दलाली करते हैं, आपके दलाली के चक्कर में 200 बीघा जमीन आपके पास में मिला है, आप तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े कहाँ हैं। बीपी मंडल जी के पास, बीपी मंडल मंडल आयोग के चेयरमैन थे, बीपी मंडल जी के पास 3500 बीघा जमीन था, पप्पू यादव जी के पास 3500 बीघा जमीन उनके पास भी है, और बिहार में सबसे ज्यादा जमीन ओनर जो है वो भूमिहार जाति नहीं है। अगर अंग्रेज की दलाली वाली बात कहते हैं तो अगर हम अंग्रेज तो हमारे यहाँ शासन में थे, अगर हम दलाली किए हैं तो बाकी सब क्या किए होंगे, हम तो देखने में भी स्मार्ट और बुद्धिजीवी भी थे, हम दलाली किए हैं तो बाकी सब क्या करते हैं। एक उदाहरण नॉर्मल लेते हैं इस बात को काटने के लिए कि हम दलाल नहीं थे, बाबू लंगट सिंह, लंगट कॉलेज सुने हैं जो अम्बेडकर कॉलेज हो गया मुजफ्फरपुर में, बाबू लंगट सिंह रेलवे ट्रैफिक के गैंगमैन ट्रैकमैन थे, फिर ठेकेदारी शुरू किए, करोड़ों रुपया कमाए, जिंदगी का पहला काम यही किया कि उन्होंने लंगट सिंह महाविद्यालय बनवाया। जो आपको कह रहा है ना कि हम अंग्रेज के दलाल थे, वही स्कूल से पढ़ के निकला हम ही लोगों को, हमारा बाप दादा के स्कूल से पढ़ के निकला हम ही लोगों को गरिया रहा। आप जीडी कॉलेज जहां कार्यक्रम है 5 नवंबर को, जीडी कॉलेज गणेश दत्त का बात है, अंतिम मकान मनोविज्ञान विभाग पीएम ये मनोविज्ञान विभाग पटना यूनिवर्सिटी को देके एगो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट रूम में चले गए राजेंद्र नगर में, पंखा लाइन के कमी के कारण वहां पे मर गए गणेश दत्त बाबू। अंग्रेज का दलाल बहुत है, 1931 के म्यूटेशन में बहुत जाती है जिसके पास खेत है, दान कोई नहीं दिया स्कूल प्रशासन को, लालू यादव के पास खेत है बहुत है, 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, एगो गरीब को बसा के दिखाए, जितेंद्र अंबादी के पास प्रॉपर्टी है तो बसा के दिखाए, भूमियारे दलाल था, जो 1901 का खतान आपके जमीन पे चलता है, जो 1901 का खतियान रामविलास पासवान के जमीन पे चलता है, जो 1901 का खतियान विधानसभा पे चलता है, वही खतियान से हम भी रखे हैं, खतियान तोड़ दो, सबको बांट दो, खतियान तोड़ दो, फिर भी हमारे पास कम जमीन होगा। तो क्या लगता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो सवर्ण जो जाति के लोग हैं ये अंग्रेजों के दलाली किए, तो जिनके पास जमीन है वो भी दलाली किए होंगे फिर? बिल्कुल यही ना आपका कहना? हम उससे भी एगो अलग बात करते हैं। देखिए जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, उनको बहुत जवाब देना है, उनको ये जवाब देना है कि चलिए हम तो शोषक सम्बन्धी थे, 70 साल से सरकार आपकी, मंत्रालय आपकी, कानून आपका, सब कुछ आपका, उसमें कुछ किए होंगे ना वंचित समाज का, ओबीसी समाज का, कोई तरक्की तो किए होंगे, उसका रिपोर्ट इनको देने में दिक्कत है, कोई दलित को बसाए होंगे, कोई गरीब गुरबा को बसाए होंगे, कोई जो खेत में आपके दूसरा वंचित जाति समाज का रहता है उसको तो आरक्षण पहुंचाए होंगे ना, इनको जवाब वहां देना पड़ता है। तो ये सीखे हैं आजकल बीजेपी से, पूछो आए जवाब देंगे बाएं, उनसे पूछिए कि आप जो संगठन बना के सब चिचिया रहे हैं, दलितों के लिए वो छात्रावास बनाए हैं, ओबीसी के लिए वो छात्रावास बनाए हैं, रोजगार के लिए कुछ किए हैं, कृषि के लिए कुछ किए, यही सब मिलेगा इनको, जाति तरक्की करेगा, वहां जवाब देगा कि नहीं नहीं ब्राह्मण जो है ना 5000 साल से डायनासोर के साथ जुआ खेल रहा था। इनको जवाब देने में नहीं बनती है, अब कभी अंग्रेज का दलाल बोलने लगेंगे, कभी बोलेंगे मुगल को हम ही बुलाए हैं, और हमारे पास कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री है, हमारे हिस्ट्री पे अंग्रेजों को भी आपत्ति थी, हमको भी आपत्ति है, मुगलों को भी आपत्ति थी, मुगलों की हिस्ट्री पे भी हमें आपत्ति है, कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री हमारे पास है। ऐसे सियोर होके बोल रहे हैं जैसे इनके किचन में ही हिस्ट्री का शोध होता है। इनको वंचित समाज को जवाब देना है, 2% लोग वंचित समाज ओबीसी समाज का पैसा डकर गए हैं, चाट गए हैं, नाम सुन लीजिए, मधु कोरा आपको हो गए, मायावती जी, कनी मोजी जी, आप चले जाइए छगन भुजबल जी, ये
टी राजा जी, जितना नाम आप सुन लीजिएगा दलित विश्लेषकों का, इनपे 3,000, 4,000, 3,00,000, 4,00,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है। कलमारी जी, ये लोग पैसा दलित के नाम पे बैठ के खा गए हैं, अब इनको हगना पड़ जाए, सॉरी गलत वर्ड के लिए, इनको निकालना पड़ जाएगा। तब ये सीधा कहते कि देखो ब्राह्मण जो है ना तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम तो ठीके थे। माने लालू यादव जी का 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, उसमें ब्राह्मण का गलती न है, उस पे जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है उनका भाषा नहीं निकलेगा, आपका जो शहीद है संतोष रेणु उसका आवाज नहीं निकलेगा, लेकिन ब्राह्मण दोषी है। लालू यादव पे कमेंट नहीं करेंगे, मुलायम सिंह पे कमेंट नहीं करेंगे जी। तो अमरजीत कुशवाहा को क्या कहिएगा? हमारे समाज में भी मानसिक विकृत लोग हैं, हर समाज में भी होते हैं, माथा में चोट लग गया होगा। हालांकि अमरजीत कुशवाहा जी ने इस बात की का खंडन किया है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था। अब लोग बोल रहा है कि हम नहीं बोले थे, तब ललित दाब के नहीं बोलवा लीजिएगा। फिर भी हर जाति हर धर्म के नेताओं को चाहिए आप उतना मत बोलिए कि दूसरा को बुरा लगे, क्योंकि जाति धर्म तो आपका भी है, कुछ न कुछ कोई निकालिए लेगा खिस्सा, और आपको बोलेगा आपको भी बुरा लगेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल आखिरी करेंगे, आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन का विरोध कर रहे थे, अभी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या आ गया एकाएक? एक बार माइक लेके ये भी बोल दीजिए कब विरोध कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले विरोध कर रहे थे आप। देखिए हमारा एक अलग मंच था, स्पष्ट बात, हम पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों में थे, मती बनी, मती एक दूसरे के प्रति हम असहमत हुए, हमारे और आशुतोष जी में कोई झड़प नहीं हुआ, बाकी लोग नीचे के कार्यकर्ता लोग बुरा मान गए, राजनीति होने लगी, कूटनीति होने लगी, तो आपसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए हमने एक अलग मंच का निर्माण किया, कार्यक्रम भी कर रहा था, समाज से प्रेशर आया कि अगर समाज के लिए काम करना है तो सबको एक होना पड़ेगा, हमने मंच का त्याग करके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का हमारा जो पुनः पता हमने उसको ग्रहण किया, और हम साथ में काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य वहां भी काम ही था, हमारा उद्देश्य यहां भी काम ही है। तो क्या लगता है बेगूसराय पूरा पीला होगा या सिर्फ हवा हवा रहे? बेगूसराय सांकेतिक रूप से पूरा पीला होगा, बहुत जगह लाल भी होगा, बहुत जगह ब्लू भी होगा, बहुत जगह हरा भी होगा, लेकिन पूरा बेगूसराय पीला रहेगा। अनुमानित आबादी आप समझ लीजिए, अभी तक का बेगूसराय का रिकॉर्ड हमारे पूर्व सांसद 4.5 लाख वोट से जीते हैं, हमारे पूर्व ने वर्तमान सांसद 4.5 लाख वोट से जीते हैं। हम आशा रखते हैं, हम गाँव जाते हैं, गाँव जाते हैं, पूरब घूम के आए, इधर घूम के आए हैं, गांव में हमसे पहले संदेश पहुंचा हुआ है, बेगूसराय में उस दिन साइकिल लेकर नहीं जा पाइएगा, 4 तारीख को कुछ काम कर लीजिएगा, नहीं तो बचल का काम 6 तारीख को कर लीजिएगा। अनुमानित तौर पे स्पष्ट 10 लाख भूमिहारों की आबादी बेगूसराय पहुंच रही है उस दिन, 10 लाख अनुमानित तौर पे, बढ़ सकता है घटेगा ना, हम गाँव का आपको न्यूज दे रहे हैं, कोई भड़काने बरगलाने की बात नहीं है, गाँव में जो ये प्रभाव है कि हमको नहीं देखा जा रहा है समाज को, उसका प्रभाव है, गांव छोड़ दीजिए, उस क्षेत्र से टाल क्षेत्र से लखीसराय से मकमा से बाढ़ से समस्तीपुर से खगड़िया से इधर समस्तीपुर चल जाइए मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट, हमारा अनुमान है, और बाहर से तो लोग आ ही रहे हैं, हमारा अनुमान है कि शायद कार्यकर्ता कम पड़ जाए उनको संभालने के लिए, 10 लाख अनुमान हमारा कन्फर्म। जैसा कि आप सुन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ आचार्य जी से, आगे भी जो अपडेट होगा 5 नवंबर के लिए हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और शेयर कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।